नमस्कार दोस्तों, इंडिया पॉटरो हिंदी पे आप सभी को हम दिल से स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम आलू का ग्राउंड रिपोर्ट करने आए हैं उत्तर प्रदेश की इटावा जिले की अलीगंज क्षेत्र में। अभी हम यहाँ के किसान भाइयों से बात करेंगे और जान लेंगे कि आज यहाँ के किसानों ने यहाँ की नया आलू कितना रुपया भाव पे बिक रहे हैं, खेती करने में इनको इस साल कितना नुकसान उठानी पड़ रही है, और साथ ही देख लेंगे कि इटावा जिले की अलीगंज क्षेत्रों का नया आलू का कुछ सैंपल भी। दोस्तों, पश्चिम बंगाल तथा सारे भारत वर्षों की हर दिन का नया आलू का भाव अपने मोबाइल के जरिए देखने के लिए अभी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए इंडिया पोटैटो मार्केट रेट ऐप। ऐप संपर्कित कोई भी जानकारी के लिए हमारी हेल्पलाइन नंबर 8609304305 पर कॉल कीजिए। चैनल पर नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और हाँ, साथ ही इस वीडियो को शेयर कर दीजिए आलू संपर्कित सभी व्हाट्सएप ग्रुपों पे। नमस्कार भाई साहब, आपका क्या नाम है भाई साहब? वेदराम। वेदराम, आपका भाई साहब? रामवीर। रामवीर, आपका? शिवम कुमार। तो ये कौन सा आलू है? ख्याति है, ख्याति है। और कौन सा आलू है ये? ख्याति, सफेद काट के आती, सफेद काट का ख्याति। ठीक ठीक। और यही आलू 302 होता है, एक बोलते ख्याति आलू है और 302, यही वाला बोलते 302 आलू, ये वाला। और कैसी पैदावार है इसकी? पैदावार बहुत बढ़िया है। और बिच गए आलू या नहीं? अभी नहीं बिचा है। आलू क्या स्थिति है, क्या रेट तक बिक रहे हैं? आलू की स्थिति गिरी भाई है, 3 से 3.5, 3 से 11 इधर ही बिच रहा हूं। अच्छा, और अगर वैसे यहाँ अगर ना बिचे तो आप किस किस जगह आलू ले जाते? नबीगंज ले यार, फरकाबाद ले, नबीगंज हर जगह जाता है, भगवान ले जाते नबीगंज और फरकाबाद। और खेतों में व्यापारी लेने आते तो क्या रेट तक लेते? 300, 311, 321, 341 तक, यही रेट। और पैदावार कैसी है इस साल? पैदावार खूब है, पैदावार बढ़िया है। ये वाला कितने कट्टे बीघे का निकल रहा है? ये 40-50 कट्टे बीघे का। कितने दिन की आलू खुदाई हो रही है इसकी? 3 महीने हो गए, 3 महीने हो गए पूरे। तो आलू पक्का हो गया है? पक्का है, पकने लगा है। और आपने इस साल कितना आलू किया? आलू बहुत है, 15-20 पंद्रह बीघा। तो कितनी खुदाई कर दी? खुदाई ज्यादा ना पाई है, 4-5 बीघा खुदाई कर दी। और पिछली साल की अपेक्षा इस साल आलू ज्यादा निकल रहा? ज्यादा निकल रहा पिछले साल। कितने ज्यादा निकल रहा? वो बहुत ही ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा ना निकल रहा, मतलब सही निकल रहा। और झुलसा की वजह से बेल कितने परसेंट आपके क्षेत्र में रह गई होगी, रुकी है अभी, या कितने परसेंट चली गई? तो सभी चली गई है, पानी तो बरसात में चली गई, पानी बरसात में चली गई, तुसार पर तामे चली गई, तुसार और बरसात की वजह से। और जो किसान लागत लगा रहे हैं उसके हिसाब से रेट मिल पा रहे या नहीं मिल पा रहे? रेट नहीं मिल पा रहे, उस रेट नहीं मिल पा रहे हैं जो लागत लगाते हैं। किसान मर के जा रहे हो, बहुत ज्यादा नुकसान है किसानों को। और क्या, बहुत ज्यादा ही नुकसान हो रहा है किसान भाई को। एक बीघा में कितनी लागत लग जाती है? एक बीघा में आलू अपना नहीं होगा तो 10,000 रुपए की लग जाएगी लागत। 10,000 रुपए बीघा, 10-12 हज़ार। और लग जाती है, किसान मेहनत कर रहा है और उसके हिसाब से किसान को जो रुपए नहीं मिल पा रहे, नहीं मिल पा रहे, लागत भी बराबर नहीं हो पा रहा, किसान बराबर नहीं हो पा रहा। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार सर, आपका क्या नाम है? अनास। और ये कौन सा आलू है? ख्याति। ये ख्याति आलू है? हाँ। और कैसा आलू निकल रहा है? ये बहुत ऊंचा निकल रहा है, लगभग कितने कट्टे बीघा निकल रहा होगा? 60 कट्टे बीघे का। और ये क्या रेट बिका है आलू? 315 रुपये, 315 रुपये कट्टे। और एक कट्टे में लगभग 55-56 किलो आलू होता है। और अगर आप ये आलू बेचने जाते तो कहाँ ले जाते हो आलू? भोगाव मंडी में। भोगाव मंडी में क्या रेट चल रहा है अभी? क्या पोजीशन है भोगाव मंडी में? 250-270 के समस्या है। और किसान जो लागत लगाता है उसके हिसाब से रेट मिल पा रहे या नहीं मिल पा रहे? नहीं। एक बीघे में कितनी लागत लग जाती है?
एक बीघे में 6,000 6,000-7,000 रुपए बीघे के, और उस हिसाब से लागत नहीं मिल पा रही। नहीं, इस साल आपने कितना आलू किया? 15 बीघा। और खुदाई कितनी कर दी? खुदाई कर दी 7 बीघे। 7 बीघे लगभग 50% खुदाई कर दी आपने। और जो पिछली बार खोदा वो क्या रेट निकल गया, बिक गया आलू? तो कोल्ड में डाला था 570 रुपये बजट निकाल पिछली साल। हाँ, तो पिछली साल स्टोर में आपको नुकसान रहा था या फायदा रहा था? लगभग समानता रहा था। अच्छा, जो आपने लागत लगाई थी उस हिसाब से? हाँ, लगभग नुकसान नहीं रहा था। समानता हो गई। हाँ, समानता हो गई थी। और इस साल स्टोर की क्या पोजीशन रहती जो पैदावार को देखते हुए? कोल्ड सभी भर जाएंगे लगभग, हमारी उद्देश्य ये है। आपके हिसाब से पूरे स्टोर भर जाएंगे? और आप किस जगह ये आलू रखते हो स्टोर में? हम तो छिबरामऊ रखते हैं। छिबरामऊ किसान कोल्ड स्टोर। किसान कोल्ड स्टोर छिबरामऊ। और आपके क्षेत्र में कितने परसेंट खुदाई हो गई होगी? 40%। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको इंडिया पोटैटो हिंदी से बात करने के लिए।